सो हाई फ्रेंड्स, एज आई प्रॉमिस यू, आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं आपको आपसे ज़्यादा सपोर्ट करके दिखाऊंगा। आज मैं एक और सीक्रेट स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर 5x 10x का गेन हासिल किया, और वो ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कि लो कैप थे, और उनको हमने इस स्टेज पे पकड़ा जब किसी की उनके ऊपर नज़र भी नहीं गई। क्योंकि अगर अब उनको कोई बताता भी है तो हम ऑलरेडी 10x कर चुके हैं उनके ऊपर, और अब अगर दूसरे लोगों की कम्युनिटी, फॉरेनर लोगों की कम्युनिटी हमारे टोकन को प्रमोट करती है तो हम और उसके ऊपर मल्टीपल गेन हासिल करेंगे। मैं आपको सीक्रेट बताने वाला हूं कि कैसे क्या आपको मैं कितनी बार फोर्स करता था, किन चीज़ों के ऊपर, किन चीज़ों का मैंने ध्यान रखा, और क्यों मैंने आपको इन सब लोगों के क्वाइंस के प्रोजेक्ट्स के सिग्नल दिए। सारी डिटेल मैं आपको देता हूं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाके। आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट वही है, जितना ज़्यादा हो सकता है लाइक करो, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करो हमारे चैनल को, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड ऑन करो। बिकॉज अगर हम इस क्रिप्टो फील्ड को टाइम देंगे तो हमारे को प्रॉफिट बहुत अच्छा हो सकता है। अगर हम इसको टाइम ही नहीं देंगे, स्टडी ही नहीं करेंगे चीज़ों को, तो फॉर श्योर प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस भी आप लोग कम कर दो। साथ ही साथ मैं बात करूँगा 3 ऐसे मेटावर्स के प्रोजेक्ट की जो कि बहुत ज़्यादा हाइप्ड है, मार्केट के अंदर उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और हो सकता है आने वाले टाइम में हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर, 10x वाली स्ट्रेटजी जो है, हमारी आइडियो की स्ट्रेटजी जो है उसके ऊपर वो अप्लाई होंगे, मेरे को तो ऐसा लगता है। और उनके में से भी काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो कि 3x 5x 10x का गेन दे जाएंगे। क्या कुछ है उसके बारे में बात करते हैं, समझते हैं चीज़ों को इन डीपली थोड़ा बहुत। और आप लोगों से सिर्फ इतना ही चाहूँगा, वो बहुत सारे लाइक्स, 7000 प्लस लाइक्स, बहुत सारे कमेंट्स, और हमारे चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, 3 बड़े प्रोजेक्ट्स जो कि आने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आप अभी तक इग्नोर कर रहे हो उसकी मैं आपको पावर दिखाना चाहूँगा कि आप किस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। हाँ तो फ्रेंड, टाइम को वेस्ट नहीं करते और कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा। मैंने लास्ट 3 महीने के अंदर आपके सामने कम से कम 50 आइडियोज रखे होंगे, लेकिन उन 50 आइडियोज़ में से कुछ आइडियोज़ ऐसे रहे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स रहे जिनकी मैं आपको साथ कॉल को शेयर करता रहा, और उनका मैंने कहा उनके टोकन को बाय कर लो बिकॉज वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उनमें से एक टोकन जिसका नाम था वंडर हीरो, जिसको हमने अभी रिसेंटली शेयर किया। वंडर हीरो का अगर हम वेबसाइट पर जाए, अगर हम कॉइन डिको पर जाए, $6.35 चल रहा है, यानी कि 70% के करीब ऊपर है जो हमने रिसेंट कॉल दी उससे। हमने फिर कॉल दी थेटन अरीना की, $0.90 पे थेटन अरीना की कॉल मैंने आप लोगों को दी थी। थेटन अरीना अभी चल रहा है लगभग $15, यानी कि 15x हमारी कॉल के बाद। आप जाके सारी हिस्ट्री टेलीग्राम पे ऊपर देख सकते हो। डी रेस को मैंने आपको बताया था लगभग $0.70 पे, आज चल रहा है डी रेस 7.75, यानी कि 11x। वाइल्डर वर्ल्ड मैंने आपको बताया था लगभग 90 सेंट के ऊपर, और आज चल रहा है $5.90, यानी कि लगभग आप कह सकते हो 6-7x यहाँ पे भी। वरीना क्वाइन को मैं काफ़ी हद तक शेयर करता रहा, और उसने भी काफ़ी हद तक अभी ग्रोथ दिखानी स्टार्ट करी बहुत ही स्पीड पे, और इसने भी करीबन दिया $4.45। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आपको ये प्रोजेक्ट्स बताए, ये बढ़ गए बहुत, मैंने अच्छा काम करा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कुछ। मैंने आपको जब जब ये वीडियोस बनाई थी और मैंने आपको क्लियरली कहा था इन प्रोजेक्ट्स को फॉलो कर लो। मैंने रिसेंटली आपको प्रोजेक्ट का नाम दिया माइथीरिया मैंने आपको दिया, और माइथीरिया की अगर हम कॉल की बात करें तो $2.50 के करीब मैंने आपको माइथीरिया दिया था, शायद $3 के आसपास चल रहा होगा, 3.10 चल रहा है, 3.50 लग के आया था, यानी कि 50% का गेन हमारे को इधर भी तकरीबन मिला था, 40% का, जो कि अभी और ज़्यादा बढ़ेगा जहाँ तक मैं पूरी उम्मीद लगाता हूँ। मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि इनके किसी के भी ट्विटर हैंडल को छोड़ना मत। उसका रीज़न ये था क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स, ये सारे प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं ऑन द ट्रेंड, यानी कि प्ले टू अर्न, यानी कि मेटावर्स, यानी कि NFTs। मैंने सभी वही प्रोजेक्ट्स आप लोगों के सामने आपको बताए थे। तो NFT के ऊपर ही मेटा वंडर हीरो काम कर रहा है, प्ले एंड अर्न का कंसेप्ट है, मेटावर्स का कंसेप्ट है। इस प्रोजेक्ट ने बहुत सारी न्यूज़ डाली रिसेंटली कि इन्होंने ये पार्टनरशिप कर ली। वर्ल्ड प्रीमियर ऑफ वंडर हीरो सिनेमेटिक गेम ट्रेलर आ रहा है, यानी कि अपनी गेम का ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं, यानी कि अपनी गेम इनकी लॉन्च होने वाली है, जिसकी वजह से इनके टोकन के ऊपर उसका प्राइस इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। इन्होंने बिनेंस NFT की अनाउंसमेंट करी, वंडर हीरो फर्स्ट एवर NFT बॉक्स सेल विल बी ऑन बिनेंस NFT, बिनेंस के ऊपर इनकी NFT का सेल होगा।
इससे क्या पता चल रहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा हाइप मार्केट में बचा रहा है। अल्फा टेस्ट कंप्लीटेड यानी कि गेम का टेस्टिंग भी कंप्लीट हो गई है। ट्विटर हैंडल ने सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, हमने ये AMS करे, और मैंने आपको बताया था क्वाइन गीगो के अंदर वंडर हीरो के CEO आ रहे हैं, तो हो सकता है बड़ी न्यूज आए। इस तरीके से मैंने वंडर हीरो को आपको बताया था 5 दिन पहले, मात्र शायद 5 या 6 दिन पहले, और वहां से 70% के करीब ये टोकन बढ़ गया। इसके बाद हमने अगर हम और नीचे जाए तो इन्होंने बहुत सारी वंडर हीरो का ऑफिशियल डिस्कॉर्ड जहां पे कैंपेन चलाया, इन्होंने विनर्स निकाले, व्हाइट लिस्टिंग करी, और उन्होंने कहा बहुत बार कि हम गेम लेके आ रहे हैं, NFT वंडर बॉक्स लेके आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने वहां पे बताई, जिसको अगर हम नज़र में रखते, जैसे ही उन्होंने गेम की अनाउंसमेंट्स करी नज़र में रखते, टोकन का प्राइस होता उस टाइम शायद $3-3.5, और हमारा टोकन का आज प्राइस चल रहा है $6.5-$7, यानी कि स्ट्रेट अवे चांस मिलता हमारे को 2x करने का। सेम गोज विद थिएटर अरीना। थिएटर अरीना जिस दिन आया था मैंने $1.20 के आसपास आपको जब एंट्री दी थी, वो यहाँ पे हम अपनी गेम की अपडेट कि हमारी गेम में ये होगा, हम ये लेके आने वाले हैं, यही बार बार डालते जा रहे थे। थेटन बॉक्स अर्ली सेल उन्होंने इसके बारे में डाला, जिसकी वजह से थेटन टोकन बढ़ रहा है, बिकॉज हर चीज के अंदर अगर आपको कोई सेल में पार्टिसिपेट करना है, NFTs को बाय करना है, तो आपको इनके टोकन का बाय करना पड़ेगा, तभी आप उनकी सेल में पार्टिसिपेट कर पाओगे। बनाएस NFT सारी की सारी न्यू सब कुछ आपको मिल जाता है इनके ट्विटर हैंडल के ऊपर, जिसकी वजह से मैंने थेटन अरीना को चूज किया, बिकॉज थेटन अरीना की कम्युनिटी बड़ी थी, प्लस साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वो अपडेट्स लेके आ रहे थे कि हम ये और मार्केट में बहुत कुछ लेके आने वाले हैं। सेम काम किया वरीना ने, सेम काम किया माइथीरिया जो कि अभी कर रहा है, सेम काम किया डी रेस ने बहुत टाइम से। मैं आपको डी रेस के बारे में बता रहा हूँ, रीजन बीइंग घोड़ों की रेस की गेम है, और घोड़ों की रेस के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, NFTs रिलेटेड है। आप अपने खुद के हॉर्स को बाय कर सकते हो, मेटावर्स में दौड़ा सकते हो, विन कर सकते हो, पैसा जीत सकते हो, तो इनको मत छोड़ना। बार बार इनकी अपडेट्स आ रही थी हमारी गेम के ऊपर, तो मैं इनके ऊपर बार बार फोर्स कर रहा था। सेम गोज विद वाइल्डर वर्ल्ड एज वेल। अभी रिसेंटली मैंने जो आपको पुश किया वो किया कई बार स्टार एटलस पे, उसका रीज़न था स्टार एटलस की कम्युनिटी तो बहुत बड़ी है ही, स्टार एटलस की गेम आज तक मार्केट में आई नहीं है। जब मार्केट में गेम आएगी तो सोचो स्टार एटलस के टोकन का क्या होगा। तो थिंक वाइजली, सोचो, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन निकालो, तभी कहता हूँ ट्विटर हैंडल को फॉलो करना मत भूलो। वहाँ पे अगर आपने उनको फॉलो किया और टाइम दिया अपना, शायद आपको 2-3 घंटे रोज के देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने टाइम दिया, आपको प्रोजेक्ट्स के आप नोटपैड बना लो कि मैंने ये 25 प्रोजेक्ट निकाले हैं, इन 25 प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या क्या अपडेट आ रही है वो नोटपैड में लिखते जाओ, और उसके अकॉर्डिंगली अपना पैसा इन्वेस्ट करो फॉर द टाइम। अगर वो कह रहे हैं 10 नवंबर को हम चीज़ लेके आएंगे, 10 दिसंबर को हम गेम लेके आएंगे, और आज अगर 20 नवंबर है तो आज उसको बाय कर लो 20 नवंबर को, और 8 नवंबर के करीब जब वो 2x हो चुका होगा उसको बेच दो, या अपना पैसा सीड मनी निकाल लो और बाकी मनी के साथ राइड करो। मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इसको सीरियसली लो। ट्विटर के ऊपर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी प्रोजेक्ट की, जो कि शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको इनके ट्विटर हैंडल से ही पता चल जाएगा ये कितने एक्टिव है, कितना काम कर रहे हैं, क्या इनकी गेम में अपडेट आ रही है, कितनी बड़ी पार्टनरशिप आ रही है, बिकॉज वो वहीं से हाइप क्रिएट करते हैं और वहीं से इन्फ्लुएंसर इनको शेयर करते हैं और ज़्यादा मार्केट में हाइप बनाने के लिए। मेरा एम सिर्फ ये है कि आप लोग सीखो और खुद सर्च करो जेम्स कॉइन को। मैं तो आपको बताता रहूंगा, आने वाले वक्त में बताता रहूंगा, सारे सीक्रेट्स भी देता रहूंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एट द एंड मेरे को पता है मैं पैसा कमा जाऊंगा, लेकिन आई वॉन्ट कि मेरी कम्युनिटी को भी समझ आए कैसे सब कुछ करना है खुद ब खुद। दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग एवरीथिंग विद यू। आप लोग सीरियसली लो ट्विटर को, मेरी पूरी हिस्ट्री के अंदर वीडियोज़ देखो, आपने लास्ट 6 महीने में मैंने जो आइडियोज़ लेके आया वो सारे आइडियोज़ क्या कर रहे हैं। अगर हमने उनको ट्विटर हैंडल पे थोड़ा सा भी ध्यान और टाइम दिया होता लास्ट 6 महीने में, पैसा भरपूर बनता और पता नहीं कितना बन जाता, शायद आप सोच भी नहीं सकते। मैंने जो कॉइन निकाले शायद आप उससे भी ज़्यादा कॉइन निकाल पाते, बिकॉज आई एम वन बट यू कैन बी एन आर्मी। अगर आप लोग सब इकट्ठे काम करोगे, टीम बना के काम करोगे, आप बहुत पैसा कमा पाओगे। ये हो गई बहुत इंपॉर्टेंट बात, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टिप, ये स्ट्रैटेजी आपकी इतनी हेल्प कर जाए शायद लाइफ के अंदर, कि शायद आपको किसी और के सिग्नल का वेट करने की जरूरत ना पड़े। तो फ्रेंड, वीडियो को अब शॉर्ट रखते हुए इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ऐसे आइडियोज जो कि मार्केट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं लॉन्च होने के बाद। उनमें से पहला प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सोल चिक्स, लीडिंग प्ले टू अर्न फैंटेसी गेम्स ऑन सोलाना। सोलाना के ऊपर है ये प्रोजेक्ट, और सोलाना के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं ज़्यादातर वो ज़बरदस्त काम करते हैं। बेस्ट पार्ट इस प्रोजेक्ट का है,
इनका डेमो गेम ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, 300K कम्युनिटी मेंबर्स ऑलरेडी इनके हो चुके हैं। अगर हम सारे ट्विटर, डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम की बात करें, आईडियो जो है इनका 3 दिनों के बाद है, 27 को ये लॉन्च होंगे। और सोल चेक्स के ऊपर अगर मैं हाइप की बात करूं तो ऑलरेडी 150,000 पीपल ऑलरेडी इनको ट्विटर पर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा प्रमोशन ग्लोबली इस प्रोजेक्ट का हो रहा है और मेटावर्स के अंदर ये धूम मचा सकता है। जस्ट लाइक साइडस हीरो को मैंने बोला था, वैसे ही सोल चिक की भी बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। सोल चिक को अगर हम नीचे और चलते हैं तो आप देखेंगे इन्होंने गेम का डेमो भी रखा है, मैं इसको एक बार प्ले करना चाहूँगा। This was Chico, our once beautiful planet, our home. It was a paradise. मैं अभी पूरा का पूरा डेमो नहीं चला रहा हूँ, अदरवाइज बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पे उनके गेम का डेमो है जहाँ पे बताया जा रहा है, वहाँ पे सोल चिक्स है प्लेनेट के अंदर जिनके ऊपर अटैक हुआ, अब हमारे को उनको बचाना है और अगर हम उनको बचाते हैं, राउंड क्लियर करते हैं तो हम इनके टोकन अर्न कर सकते हैं। दैट इज वाई ये प्ले एंड अर्न का कंसेप्ट है और ये पूरा का पूरा मेटावर्स कंसेप्ट होने वाला है। अब अगर हम इनके ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लेते हैं और अपडेट आ जाती है लॉन्च होने के बाद कि हम अपनी गेम लाइव कर रहे हैं, हम सेक्स के ऊपर, एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग कर रहे हैं, हम बायबिट के ऊपर आ रहे हैं, हम फॉर एग्जांपल बिनेंस के ऊपर लिस्ट हो रहे हैं, तो फॉर श्योर टोकन वहां से ऊपर जाएगा। इन चीज़ों के ऊपर आपको नज़र बहुत ज़रूरी है रखनी। व्हाट इज सोल चिक की अगर हम बात करें, अवर मिशन इज सिंपल टू बी द लीडिंग फैंटेसी एनएफटी पीवीपी एंड पी2ई गेमिंग इकोसिस्टम ऑन द सोलाना ब्लॉकचेन। वी बिल्ड अवर गेम अराउंड एडोरेबल सोल चिक्स एनएफटी कलेक्टेबल्स वेयर प्लेयर्स यूज देयर सोल चिक्स एज देयर कैरेक्टर इन अ यूनिक गेमिंग मेटावर्स। यानी कि ये जो सोल चिक्स है इनको आप यूज करोगे एज अ करेक्टर पूरे मेटावर्स के अंदर। वी बिलीव विद द राइट टीम एंड पैशन वी कैन रेवोल्यूशनाइज दिस इंडस्ट्री। पीवीपी गेम कैसे होगी और रेड्स गेम जो है गेम प्ले वो कैसे होगा उसका पूरा डेमो यहाँ पे दिखाया हुआ है। वाई सोल चिक, उसके पूरे रीजंस दिए हुए हैं कि क्यों हम सोल चिक के ऊपर लगाए पैसा। अगर हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, ये आई प्लेटफॉर्म, ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है 20 आइडियो लॉन्च पैड के ऊपर, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा अभी तक। पार्टनरशिप्स में आप नाम पढ़ोगे तो आपको बड़े से बड़ा नाम यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, OVR, स्लोप, ग्रेप, सोलाना आर्ट, अल्तूरा, मेटावेस्ट, सोलाना इको फंड, R930 और क्वाइन कोरा, ब्रेव, D5 प्लैनेट और सभी नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। हाउ ऑनर्स अर्न फ्रॉम सोल चिक, कैसे हम अर्न कर सकते हैं। अर्निंग चिक टोकन्स विच हैज गवर्नेंस राइट्स थ्रू वीकली लीडर बोर्ड MMR रैंकिंग, ब्रीडिंग करके हम कमा सकते हैं, अर्निंग सोल क्वाइंस करके कर सकते हैं, अर्निंग इन गेम रिवॉर्ड्स। मैं आपको बता दूं बार बार, एक्सी इन्फिनिटी एक आई गेम, अब वो एक ही नहीं रहेगी, उसको कंपटीशन में कोई ना कोई गेम जरूर आएगी जो कि उसका कंपटीशन करेगी। तो क्या पता वो सोल चिक्स हो, नो वन नोज, क्या पता वो साइडस हीरोज हो, नो वन नोज। तो मेक श्योर आप इन पे नजर रखो और इनकी एंट्री जहां पे दिखाई दे वहां पे उसको ना छोड़ा जाए, बिकॉज NFT, मेटावर्स, गेमिंग, प्ले एंड अर्न सबका मिक्सचर है और बहुत ज्यादा हाइप है इस प्रोजेक्ट की, इसको मिस मत करना। इनके ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल सकती है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। सेकंड प्रोजेक्ट जिसका नाम है एज ऑफ टैंक्स, जो कि आ रहा है CD5 के ऊपर, और एज ऑफ टैंक्स जो है अगर आप ट्विटर हैंडल देखोगे तो शायद इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये भी एक मेटावर्स गेम है जहाँ पे टैंक से रिलेटेड फाइटिंग होगी। एज ऑफ टैंक इनको कह रहे हैं टैक्टिक असेंबल न्यूट्रलाइज काबूम सुपीरियर, यहाँ पे इनका ट्रेलर आप पूरा देख सकते हो। वेलकम टू अर्थ 0 year 23100, क्या होगा आने वाले टाइम में, उसके ऊपर एक गेम बनाई गई है जहां पर टैंक्स की फाइट होगी जिससे आप प्ले एंड अर्न कर पाओगे एंड मेटावर्स की गेम होने वाली है। CD5 के सभी प्रोजेक्ट ने अच्छा परफॉर्म किया है, आई विल से मेरी इस लिस्ट के अंदर सेकंड नंबर पे है। ये प्रोजेक्ट की काफ़ी ज़्यादा हाइप आपको दिखाई देगी मार्केट के अंदर, गुड गेम गिल्स के साथ इन्होंने अभी अभी पार्टनरशिप करी जो कि खुद में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बनेट स्मार्ट चेन, CD5, मेटा प्ले, इंजन स्टार्टर के ऊपर भी आ रहे हैं। इन्वेस्टर की बात करो तो शीमा कैपिटल, रेड स्विस, ब्लू व्हील, FF वेंचर, ये सारे इनके पार्टनर्स हैं। अर्ली इन्वेस्टर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे नाम दिखेगा पांडा कैपिटल का, अल्फा हंट का, हिरोन्स का, ये सारे इनके अर्ली इन्वेस्टर्स भी है। तो ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, मेरी लिस्ट के अंदर ये सेकेंड है और मेन है कंसेप्ट। इट इज़ ऑल अबाउट मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड कह रहा है मेटावर्स, प्ले एंड ऑन एन NFT, उसके ऊपर ही ये वर्क कर रहा है।
तो ये भी अच्छा जा सकता है लिस्टिंग के बाद, अगर इसके ऊपर सिग्नल बनेगा तो फॉर श्योर मैं आप लोगों को ट्राई करूंगा उसका सिग्नल भी देने की। थर्ड एंड फाइनल प्रोजेक्ट आज की वीडियो के अंदर वो है मेटा सॉकर। मेटा सॉकर जो कि आएगा डाओ मेकर के ऊपर। सॉकर यानी कि फुटबॉल, और फुटबॉल के सभी दीवाने हैं। पूरा का पूरा कंसेप्ट ऑन मेटावर्स होने वाला है सॉकर की गेम का, और सॉकर के ऊपर कितना ट्रैफिक है, कितना यूज केस है, आप खुद इमेजिन करो। तो मेटा सॉकर एक मेटावर्स की गेम होने वाली है। मेटा सॉकर इज फर्स्ट सॉकर मेटावर्स वेयर यू कैन मैनेज योर ओन क्लब एंड जनरेट इनकम व्हाइल यू प्ले। अपना खुद का क्लब बनाओ, गेम विन करो और उस क्लब्स के थ्रू पैसा बनाओ, ये ऑप्शन होने वाला है मेटा सॉकर का। एक्सी इन्फिनिटी बार बार कह रहा हूँ, या हम कोई भी और प्रोजेक्ट को पकड़ के चले मेटावर्स का, वो सब भी यही सब कर रहे हैं। अब रियल गेम्स आ रही है क्रिप्टो के अंदर, जिसका रियल क्रेज हो सकता है, एडिक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से उनके टोकन का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इनके ऊपर ज़रूर नज़र रखना, ट्विटर हैंडल किसी का छोड़ना मत, मेक श्योर आप इनको सबको फॉलो कर लो। मेरे लिए सोल चेक्स बहुत ही अच्छा, मैं इस पर एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। जब लिस्ट होगा, अगर सिग्नल बनेगा तो मैं ट्राई करूँगा सिग्नल देने का। अगर आपको खुद भी एंट्री लेनी हो तो यू कैन डू इट एट योर ओन रिस्क, क्योंकि एट द एंड क्रिप्टो में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हम लोगों का है। मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, प्रॉफिट होता है वो भी आपका है, लॉस होता है वो भी आपका है। मैंने जो आपको आज एडवाइस दी है, जो टिप दी है, उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती है वो टिप, उसको ज़रूर यूज़ करो। पैसा खुद बनाओ, डिपेंडेंट किसी पे मत रहो और पैसा बनाते रहो। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन, एंड मेक श्योर वीडियो का आपने बहुत सारे लाइक्स एंड प्यार ज़रूर दे दिया हो।